अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एनी सलमान अलवी और मैं एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट की हैसियत से आज से वाबस्ता हूं। आज मैं पैक्ट और उसके पार्टनर की तरफ से हमारी कम्युनिटी पर जो तंबाकू नोशी के मुजर असरात हैं उस हवाले से अपने कुछ खदशात और कुछ अंदेशों का इजहार करना चाहता हूं और एक सजेशन है वो जो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। आपको पता है कि 2020 जो है वो एक पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर लेके आया है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की जद में है, कोविड-19 की वबा ने पूरी दुनिया को अपने घेरे में लिया हुआ है और पूरी दुनिया में जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनके ऊपर एक अनप्रेसिडेंटेड दबाव है। हमारी मईशत पहले ही दिगर मुंह हालात से गुजर रही थी और कोरोना वायरस की वबा आने के बाद हमारी मईशत पर एक अनप्रेसिडेंटेड दबाव आया, मफलूज होकर रह गई है। सेहत का निजाम हमारा पहले ही बहुत खराब हालत में था, उसके ऊपर भी मजीद दबाव आया है, अनप्रेसिडेंटेड दबाव आया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना दबाव कभी भी हमारे सेहत के निजाम पर नहीं आया, उसकी वजह से सेहत का निजाम भी मफलूज होकर रह गया है। इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें एक बहुत कसीर सरमाए की जरूरत है। इसी पर्पज के लिए आपको याद है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोरोना रिलीफ फंड कायम किया हुआ जिसमें वो अक्सर और बेशतर अवाम से डोनेट करने की अपील करते रहते हैं, लेकिन जिस सरमाए की जरूरत है वो सिर्फ एहतियात से हासिल नहीं होगा। उस सरमाए को इकट्ठा करने के लिए एक सजेशन है और सजेशन ये है कि क्यों ना हम आने वाले बजट में जो है वो तंबाकू से बनने वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर एक सरचार्ज आयद करें, एक टैक्स आयद करें, अच्छा टैक्स आयद करें जिससे हमें कसी रेवेन्यू हासिल होगा, एक विन विन सिचुएशन होगी। एक तरफ तो आप टोबैको प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को डिस्करेज कर रहे होंगे और दूसरी तरफ आपको उससे जो टोबैको प्रोडक्ट्स की सेल से जो रेवेन्यू हासिल होगा उस वो आप कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आप कोरोना रिलीफ फंड में भी डाल सकते हैं ताकि उससे जो हमारे सेहत के निजाम के ऊपर दबाव आया है उससे निपटा जा सके। तो आखिर में मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, एफबीआर से, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से, जितने भी पार्लियामेंट के अरकान हैं कि वो आने वाले बजट में इस चीज पर जोर दें कि तंबाकू से बनने वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर हम एक टैक्स लगाएं, उससे जो रेवेन्यू हासिल हो हम उससे कोरोना के पेशेंट्स का इलाज करें। तो एक रोशन पाकिस्तान के लिए, कोरोना वबा की खातिर, एक महफूज और सेहतमंद पाकिस्तान के लिए आइए तंबाकू से बनने वाली प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएं और उससे हासिल होने वाली आमदन को हम कोरोना रिलीफ फंड में डालें और उससे कोरोना के पेशेंट्स का इलाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया।